हेलो बच्चों, मैं हूं अर्षद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल का टॉपिक पढ़ा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। इसका एक वीडियो हम लोड कर चुके हैं, ये सेकंड वीडियो आपका है। इसके हमने आपको फार्मूले सिखा दिया थे। फार्मूले आपके तीन मेन थे। एक था तुम्हारा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, पहला मेन फार्मूला है। दूसरा वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है। थर्ड आपका क्वेश्चन था वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। ये हमने आपको सिखाए थे, इन तीन का मेन था। इसी से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए इज इक्वल टू वन। हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें आंसर पता होता है। अगर आपने निकाल लिया तो आपको कंफर्म हो गया हमारा आपका आंसर सही है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर है, एक फार्मूला होता है किसका, वन प्लस टेन स्क्वायर है बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर है। तो आप इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, वन माइनस साइन है, वन प्लस साइन है। अगर इन दोनों को एक साथ ले लें और मल्टीप्लाई कर दें तो एक फार्मूला बन रहा है इस जगह से, वन प्लस साइन है, वन माइनस साइन है, जो ये आपका बन रहा है वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर है। इस फार्मूले को इंटरचेंज करके या ट्रांसपोर्ट करके आपको बनाना है, तो सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ गया वन। क्लियर हुआ, ये पहला सबसे छोटा क्वेश्चन था, वन प्लस टेन स्क्वायर है, वन माइनस साइन है, वन प्लस साइन है इज इक्वल टू वन, वन लाना है। तो ये एक आपका डायरेक्ट फार्मूला बनता है, वन प्लस टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को लेंगे तो एक अलजेब्रा वाली फार्मूला बन रहा है। कौन सा आइडेंटिटीज यूज हो रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे पहला वाला टॉपिक इसने नहीं देखा है, वो देख ले जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक आपका आइडेंटिटीज बन गई, तो वन माइनस साइन स्क्वायर है बराबर होता है कॉस स्क्वायर है। तो सेक को या तो कॉस से बदलो या कॉस को सेक में बदलो, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, वन अपॉन सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इस बेस पे सेम क्वेश्चन हम एक और करवा रहे हैं, उसे आप घर में लगाइएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ये होमवर्क का आपका क्वेश्चन है, इसे आप घर में लगाइएगा। सिर्फ आपको एक जैसे क्वेश्चन हम जो एक साथ किताब से ढूंढ कर आते हैं, इस तरीके का सेम क्वेश्चन है, आप इसे लगाइएगा, प्रूविंग आपकी बन लानी है। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन जानबूझ के आपको हम देते रहते हैं क्योंकि किताब में सब अलग अलग क्वेश्चन है। एक जैसे क्वेश्चन आप लगाइएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है, कॉस क्यूब ए माइनस प्लस साइन क्यूब ए, कॉस क्यूब ए अपॉन साइन क्यूब ए, कॉस ए प्लस साइन ए। इधर आपका हो गया कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू, हमें लाना है टू। क्या लाना बेटा, टू। अब इसे हमें सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ आपको हम सिखाते जा रहे हैं आपको कहाँ यूज़ होगा। अब देखिए ऊपर एक कोई डायरेक्ट फार्मूला बनता नहीं है, अब ये आपका एलजेब्रा का फार्मूला बन रहा है, क्लास एयर तो नाइन ने पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको नहीं आ रहे इसलिए हम आपको क्वेश्चन धीरे धीरे बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। ये फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखिए यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका फार्मूला बना
कॉस ए प्लस साइन है किस फार्मूले से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये आपका बन रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए इंटू साइन है प्लस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में आपका क्या था, कॉस ए प्लस साइन है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। वही प्रोसेस आप यहां करोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या फार्मूला बन रहा है, कॉस ए माइनस साइन है, ऊपर फार्मूला बन रहा है आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू साइन है, कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, सॉरी साइन स्क्वायर है। और डिनोमिनेटर में आपका क्या, आपका कॉस ए माइनस साइन है, क्लियर हो बेटा। अब देखिए यहां पर ये जिस सेम है कैंसिल हो गया, अब आपका बच्चा क्या, आपका कॉस स्क्वायर है, अगर साइन स्क्वायर को पास ले जाओगे तो आपको समझ में आएगा एक फार्मूला बन रहा है, कॉस ए इंटू साइन है प्लस का साइन, यहां से ये कैंसिल हो गया आपका, अब आपका क्या ला रहे हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू साइन है, ये चीज क्लियर हुई बेटा। अब इन दोनों का अगर एक साथ लेंगे तो एक फार्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस, ये भी एक फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, वन प्लस कॉस ए इंटू साइन है, अब वन के पास वन लाए तो आपका हो जाएगा टू, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल का मतलब सब्ट्रैक हो जाएंगे, ये आ जाएगा टू, हमें आंसर क्या लाना था टू। समझ में आए आपको, इसे फिर से एक बार देख लिए फिर बताते आपको, ध्यान से देखिए ये आपको क्लास नाइन की चीज़ है आपकी, अगर अलजेब्रा आपकी क्लास नाइन के नहीं क्लियर है तो इसमें आपको प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम आपको धीरे धीरे बेसिक से आपको बता रहे हैं, आपको कोई परेशानी ना। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इस बेस पे सेम क्वेश्चन एक और हम दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए, उसे आप घर में लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले इसका टॉपिक जो हमने डाला पहला वाला वो आपको पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आपका घर के लिए, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू वन, हमें ये लाना है। अब आपको वही कंडीशन लगानी पड़ेगी, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा दोगे आ जाएगा, क्लियर हुआ। ये आपको दो क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए आप घर में लगाइएगा, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो लास्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर हम आपको दे देंगे, आप पर्सनल व्हाट्सअप करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस टू कॉट स्क्वायर ए प्लस टू, ये क्वेश्चन मिटा दे रहा है आप नोट कर चुके हैं, टू कॉसेक ए इंटू कॉट ए। अब ये क्वेश्चन आपका है, इसे ध्यान से देखिएगा,
आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, जो सीख चुके हो वही चीज़ है आपके। ठीक है बेटा, कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू ये। हमने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया था, अगर डिनोमिनेटर में ए प्लस बी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी से। अगर ए माइनस बी है तो ए प्लस बी से करके अगर आपको फार्मूला बन जा रहा है तो वो चीज़ सही हो गया। यहाँ पर हम करेंगे आपका, पहले ट्राई करते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए बाइनोमियल है तो ब्रैकेट बनाना है हमको, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। मेन टारगेट हम डिनोमिनेटर का लेके चलते हैं, नीचे ए माइनस भी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। जितना डिनोमिनेटर में करेंगे उतना ही हम न्यूमिनेटर में करेंगे, क्योंकि मैथ में अपनी तरफ से हम कुछ नहीं बढ़ा सकते। अब नीचे एक आपका डिनोमिनेटर में फार्मूला बन गया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है आपका, डिनोमिनेटर में आ गया वन। क्या आ गया, वन। अब यहाँ पे ऊपर एक फार्मूला बना तुम्हारा, कोसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, कोसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये आपका ये वाला टर्म आ गया। क्लियर हुआ, अब हमें ये प्रूविंग होगी, अब हमें ये भी प्रूविंग करनी है। अब यहां तक क्या आ गया आपको समझ में आ गया, अब यहां पे हमने एलजेब्रा का फार्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब यहां पर यह आइडेंटिटीज खोल सकते हैं, उसी को कहते हैं फार्मूला। अब यहाँ पे जो फार्मूला खुला आपका, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टू इंटू कोसेक ए इंटू कॉट ए। क्लियर हुआ, अब देखिए हमें यहाँ पे लाना क्या है, ये ध्यान रखिएगा, टू इंटू कोसेक ए इंटू कॉट ए तो आपका फाइंड हो गया। यहाँ पे हमें आंसर लाना है कॉट में, हमें क्या गायब करना पड़ेगा, कोसेक, और कोसेक का फार्मूला पढ़ा है तो आपने, वन प्लस कॉट स्क्वायर है, वन प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है, प्लस टू इंटू कोसेक ए इंटू कॉट ए। ये दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म का मतलब होता है सजाती है, इंग्लिश में कहते हैं लाइक टर्म, हिंदी में कहते हैं सजाती है। तो ये हो जाएगा वन, इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा टू कॉट स्क्वायर ए प्लस टू कोसेक ए इंटू कॉट ए। ये चीज समझ में आई बच्चा, फिर समझ लो बेटा, कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू ये लाना है। जब हमने आपको बताया था डिनोमिनेटर में ए माइनस बी है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए प्लस बी से। कब, जब करने से कोई ना कोई आइडेंटिटीज आपके बन रही हो, जो तीन फार्मूले हमने बताया था, ये बना कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है वन। अगर डिनोमिनेटर सॉल्व हो रहा है तो मतलब इतना हमने क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, जितना हम डिनोमिनेटर में बढ़ाएंगे उतना ही हम न्यूमिनेटर में बढ़ाएंगे। तो इन दोनों को एक साथ लेंगे तो कोसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर हमारा ये वाला आंसर आ गया। अगर उसके आगे क्वेश्चन में दिया गया तो आगे करेंगे। अब ये आपकी आइडेंटिटीज बनी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने नाइन्थ पढ़ चुके हो, एट्थ पढ़ चुके हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अब कोसेक स्क्वायर ए, अब यहाँ पे ये दिमाग लगाना है कौन किसको चेंज करना है। अब आपने आंसर में देखे टू कोसेक ए इंटू कॉट ए आपका प्रूविंग हो चुकी है, कॉट स्क्वायर ए में लाना मतलब गायब किसको करना है, कोसेक स्क्वायर ए को, कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये दोनों लाइक टर्म को जोड़ दिया तो ये आपका आ गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस बेस पे एक क्वेश्चन आपको हम घर के ले जाते हैं, उसे प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग को समझ में आ रही है तो मैथ्स, तो आपको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर बच्चों में शेयर करिए, क्योंकि जितना आप फैलाएंगे इस चीज़ को तो कोचिंग में मोटिवेट होते हैं, तो हम आपको और अच्छी से अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे।
अब इसी बेस पे क्वेश्चन आपका है, sec a माइनस tan a अपॉन sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1 + 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 इंटू sec a इंटू tan a, sec a इंटू tan a। ये क्वेश्चन आपको वही सेम क्वेश्चन है, नीचे a माइनस b है तो किससे, sec a प्लस tan a तो किससे मल्टीप्लाई करो, sec a माइनस tan से, सेम क्वेश्चन आप लगाओगे आएगा। अब बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, sec की पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a प्लस tan की पावर 4a। ये चीज समझ में आई, sec की पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a प्लस tan की पावर 4 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, अब इसे सॉल्व करना है तो आप ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या कह सकते हैं, अब वही चीज़ फर्क आती है। अब नाइन्थ में हमने पढ़ा है, जब आपका फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल होता है कॉमन, क्या हो रहा है बेटा, कॉमन कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, sec स्क्वायर a कॉमन आ गया, तो ये चीज आपके बचे sec स्क्वायर a माइनस 1। ये चीज क्लियर हो गई, अब आपको ये चीज क्लियर हो गई तो कि हमें आंसर लाना है किसमें, ध्यान दीजिएगा 10 में। अब sec स्क्वायर a का एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a, अब sec को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे 10 में, तो इस sec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये तो माइनस 1 पहले से आपका उतरा हुआ है तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब से बच्चा आपके पास क्या tan स्क्वायर a। अब आपको इतना समझ में आ गया, हमें फैक्टराइजेशन का पहला रूल होता कॉमन, अब sec को हमें ना ला के आंसर हमें किस में लाना है 10 में, तो हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, इसी को हिंदी में कहते हैं बंटन नियम, इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो मतलब tan स्क्वायर a का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a का tan स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करेंगे tan की पावर 4 है, ये आपका आंसर आ गया, ध्यान से देखिएगा। आप इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाते हैं, अब देखिए इसके बाद इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, लगाइए आप, कोसेक की पावर 4a माइनस कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए सेम क्वेश्चन आपको दिख जाता है, आप लोग के लिए मैं कोशिश करके एक जैसे क्वेश्चन लाने पड़ते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे एक जैसे क्वेश्चन, ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, अब आप प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, हमें लाना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। अब ये क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी बराबर ये लाना है। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा, हमें आंसर क्या है, इसमें कुछ कॉमन तो आने रहा ना, कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब आपको ये ध्यान देना, हमें लाना क्या है, साइन स्क्वायर ए लाना है,
ये चीज़ आपके पास आ गई। अब हम चेंज किसको करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमको लाना है साइन स्क्वायर भी, गायब करने की कोशिश करेंगे इसको। तो यहाँ कैसे गायब करेंगे, साइन स्क्वायर है, अब कॉस स्क्वायर भी का हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा किस फार्मूले से, साइन स्क्वायर भी प्लस कॉस स्क्वायर भी इज इक्वल टू वन। इंटरचेंज किया तो कॉस स्क्वायर भी का कैसे फार्मूला बनाया, इंटरचेंज करने हमारा पहले वाला ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टार्ट किया था तो आप पढ़िएगा, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इसलिए हम सीरियल बाय सीरियल करा रहे हैं। इससे पहले वाला ने देखा होगा उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो कॉस स्क्वायर है, इंटरचेंज किया क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये फ्रेमिंग ऑफ फार्मूले से बनता है, मेन फार्मूला जो है वो ये है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन। अब यहाँ पे इसको चेंज करना है, इसको चेंज क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये चीज़ बेटा क्लियर हुई। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको भी इंटरचेंज आपको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये चीज हो गए, हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये है बाहर प्लस में है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। बाहर देखिए माइनस है, तो अंदर के सारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का है किसमें हो जाएगा, माइनस में, साइन स्क्वायर बी माइनस का किसमें हो जाएगा, प्लस में, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये प्रूविंग जो करनी थी वो आपके प्रूविंग आ गए। इसको फिर से ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको दोबारा भी सॉल्व करा देते हैं। टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, हमें लाना है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, इससे आप लगा लिया है, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आ गई, सेम क्वेश्चन फिर से देखेगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी बराबर, ये चीज़ दे रखी है। अब आप कैसे पहचानोगे इसको, मैं किस में चेंज करना है, प्रॉब्लम इस चीज़ की आती है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें साइन स्क्वायर ए लाना है, तो साइन स्क्वायर ए तो पहले से है, तो मतलब किसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर बी को। हमें यहाँ पर लाना था साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी हो गया। किसको रिमूव करना पड़ेगा, साइन कॉस स्क्वायर ए। आपने फार्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो वहाँ से इंटरचेंज करें तो कॉस स्क्वायर बी का फार्मूला बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर पॉजिटिव है तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या हो गया, चेंज। इन दोनों को क्या हुआ, सब्ट्रैक हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बचा, यही लाना था। अब सेम क्वेश्चन आपको यही चीज़ है, अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ साइन टेन स्क्वायर ए है, इसको रह देंगे, इसको चेंज करेंगे, या टेन स्क्वायर बी लाना था, रहेंगे इसको चेंज करेंगे, ठीक है बच्चा। अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अदर्स बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।